हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ गया, आज हमारा एग्जाम का लास्ट दिन है, यानी लास्ट एग्जाम है आज। आज के बाद एग्जाम का टेंशन ही रहेगा। अभी सारे बंदे लोग निकल रहे हैं, हम लोग का तो सेकंड सिटिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग रेडी हो गए हैं, वो लोग निकल रहे हैं और हम लोग जाएंगे बाइक से आज फ्रेंड के साथ। तो आ रहा है, जो आता है तो निकलते हैं जल्दी से एग्ज़ाम के लिए और वहाँ सेंटर पहुँच के बताएंगे कैसा क्या रहा क्या नहीं। अब वो लोग ब्लॉग इन्जॉय करो। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देख के। और हमारा कॉलेज का तो ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, तो इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा हॉस्टल खाली करने का, यानी हमारा लास्ट समझ जाओ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एक और एग्ज़ाम है जो कि बाद में देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हॉस्टल खाली करना है 26 को। तो इसके बाद एक वही ब्लॉग आएगा, तो आप लोग ये ब्लॉग इन्जॉय करो। चलो अभी जल्दी से रेडी वेडी होते हैं, एडमिट कार्ड वार्ड लेते हैं, निकलते हैं सेंटर किया। और जो इस चैनल पे नहीं आए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो चलते हैं। अभी साथ में ऋषि भी जाने वाले हैं, रेडी हुए कि नहीं? रेडी। तो कुछ दिन बाद ये रूम भी पूरा खाली हो जाएगा, जल्दी रेडी करिए। आदर्श भी आने वाला है, तो आज है लास्ट एग्जाम। बताइए कैसा मज़ा आ रहा है ना? आने वक्त पता चलेगा कैसा गया आज का एग्ज़ाम, कैसा नहीं। तो अब पता चलेगा सेंटर पे जाने के बाद ही। हाँ अभी चलते हैं, पहले तो नाश्ता भी करने जाएगा। बस मन नहीं करता एग्ज़ाम देने से पहले नाश्ता करने का। सेंटर हमारे कॉलेज से हमारा सेंटर 50 किलोमीटर दूर है, सोच लो। आज बाइक से निकलेंगे, हालत ख़राब होने वाला है कन्फर्म। ऐसे डेली तो होता ही है, लेकिन आज ब्लॉग के लिए आ नहीं सकता। ये कॉलेज तो बस 2-3 दिन का मेहमान है हम लोग का, सॉरी हम ही 2-3 दिन के मेहमान हैं इस कॉलेज के। 26 को हम लोग कॉलेज खाली करने वाले हैं, और कैसे करेंगे वो लोग आप लोग ब्लॉग में देखना, मज़ा आएगा ब्लॉग में। रूम खाली हो जाएगा, अभी जितना भरा भरा लग रहा है ना, सारा रूम खाली हो जाएगा, तो वो ब्लॉग भी जल्दी आएगा, ज़्यादा देर नहीं करेंगे उसमें भी, जस्ट इसके ब्लॉग वही ब्लॉग आएगा। इस साल कैसे कट गया पता नहीं। आज क्या था, वो स्टेटस अप लगा रहा था ना, नहीं 3 घंटे का एग्ज़ाम और 3 साल का सफ़र यहीं खत्म। 3 साल कैसे गुजर गया पता नहीं चला, बीच में कोरोना भी आ गया था, उसके वजह से थोड़ा रिलीफ मिल गया था, लेकिन पता ही नहीं चला 3 साल कैसे खत्म हो गया। चलो छोटू आदर्श आ गया है, आधा बतिया रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। चलो चला एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं देके, तो चलो अभी चलते पहले कैंटीन, नाश्ता पैक करवाते, कहीं रास्ते में रुके खाएंगे आज। आज फिर से एक बार और खाए थे हमारा आदर्श, कहीं रास्ते में रुके, तो अभी देखते नाश्ता में क्या कैंटीन। और कैंटीन तो आ चुका है, कैंटीन में है लिट्टी, वो पैक करवा लेते हैं। ठीक है, शोरूम में जाते हैं, पैक करवा लेते हैं लिट्टी। अच्छा ये बाहर का है, तुम एंट्री कहाँ से करेगा? रुके चलो चलाओ ना तुम्हें, हम आते वक्त चल, आते वक्त चलाएंगे, आते वक्त चलाएंगे, चला बस चला चला।
बस अभी नहीं पहुँचे, अभी हालत ख़राब हो गया अभी कैबिन के पास। अभी यहाँ से कितना किलोमीटर और है, 15-20 और होगा यहाँ से। बहुत हालत ख़राब है, इधर कैबिन लगा हुआ है अभी। चलिए सारे 10 हो गया। हम लोग कितना घंटा पहुँचे, डेढ़ घंटा लगा मुश्किल से पहुँच गए। और सेंटर का भी एग्ज़ाम चल रहा है, वो लोग निकलता है तो पूछते कैसा गया एग्ज़ाम। बाकी बाद हम लोग का सेकेंड सिटिंग है, पता नहीं कैसा जाएगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कैसा गया है कैसा नहीं। मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे बदौलत। तो गाइस अभी हम लोग सेंटर पे थे, अभी एक दोस्त से मिलाते हैं, साजन है, मैं बैचमेट ही है, इसका डबल रोल है। पहले तो सिंगल से मिल, इसको देख लो अच्छे से। इसका भाई अभी अंदर में एग्ज़ाम दे रहा है, कभी ये जाता है देने, कभी एग्ज़ाम, कभी वो आता है देने। वो आता है ना एग्ज़ाम दे के तब मिलाते हैं इसे। क्या इसका नाम सन्नी है? एक इसका भाई सन्नी है, ये सन्नी है, साजन है अंदर में। तो अभी हम अभी अपने सीनियर भैया से मिलाते हैं, ये हमारे राजवीर भैया, जो बहुत दिन बाद दिखे हैं। और आज सेंटर पे आए थे, आते थे ईद के चांद हो गए आज दिखे हैं। आज किस लिए आए? हाँ सहारा बच्चा का। तो अभी बैठे हुए हैं कार में, राजवीर भैया की कार में। राजवीर भैया जिसमें कार से आए थे उसमें बैठे हुए, इतना धूप है ना बता नहीं सकते। और अभी टाइम 20 मिनट बचा हुआ है सबको निकलने में, और इधर सब अभी बैठे हुए कार में। बाहर गर्मी लग रहा है। इनका मोबाइल देखो, ये लेमिनेशन है क्या, कलर ही उखड़ गया। सस्ता कलर देता है MI पोको वाला, उखाड़ दे पूरा। कुछ देर में निकलने वाला है, बैठे हुए थे उधर ना रे, अब कुछ देर में निकलने वाला है सब। अरे वो आई कार्ड पहने तब ना पहचान गया। देखो सुबह में इससे मिलाए थे, अभी से मिलो, दोनों भाई सेम है। तो गाइस फाइनली 1 बज गया और हम लोग अभी जाने वाले एग्जाम, तब तक चिट्टा उट्टा सेटिंग करते हैं, आप लोग से मिलते हैं एग्जाम से देख, एग्जाम देख के आने के बाद। अब तक इंतजार करो, तुरंत आते हैं, यू जाते हैं यू आते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, और एग्जाम आज का बहुत पूछो मत, साला सारा एग्जाम से खतरनाक एग्जाम आज का ही गया है सबसे। कुछ कुछ निकल रहा है, अभी हम लोग पहले निकल गए देखे एग्जाम, अभी नहीं निकला है कोई। मजा आया आज एग्जाम देखे, पूरा सेंटर खाली था, का मौका दिया है। आज का एग्जाम मस्त खतरनाक गया, टीचर बोला लिखो सामने से लेकिन हल्ला मत करो। तो गाइस अभी ये सब से मिलाते हैं, कुछ दिन बाद ये, कुछ दिन क्या, आज से ही सब अलग अलग हो जाएंगे। ये दिव्यांशु, ये चाचा DRCC वाले चाचा। तो आज हमारा लास्ट एग्जाम था, आज का एग्जाम खतरनाक गया, आज के एग्जाम के जैसा कोई एग्जाम ही नहीं गया आज। भाई पता क्या हुआ सर, मतलब सामने मतलब चिट्ठा लिखो सर, लोग आ जा रहे थे, लिख रहे थे आराम से। आज का एग्जाम भाई बहुत खतरनाक है, आराम से पास भाई। थोड़ा से बोलो कि आज है, सबने स्टेटस लगाया 3 साल की सफर 3 घंटे में ख़त्म हो गई है। बात तो सही है कि 3 घंटा में सब खत्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी कभी मिलेंगे। वैसे अभी 3 घंटा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जाना है पहले कॉलेज, 26 तारीख को कॉलेज खाली करना है 26 को। तो अभी चलते हैं, रास्ते में निकलते हैं, आज का तो एग्जाम मजा आ गया, अभी जाएंगे होटल। हम लोग को भी लेकर चलेगा ना, भागा है पक रुपया तो। चले 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 सब चल रहे। लाल मोहन का हेलमेट देखिए गाइस, ये है पबजी वाला। कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? हेलमेट लेकिन भाई तुम्हारा करता है। Level 1 का हेलमेट, यस Level 1 का हेलमेट है। पबजी खेल के अभी आ चुका है, बाद मत करना, बाद में करना। बाय बाय सेंटर, बाय बाय सेंटर, आप मिलते हैं अगले एग्जाम में कभी भी। तो आज का एग्जाम बहुत खतरनाक गया है, और क्या ही बोल सकते हैं। चलो
तो हमारा एग्ज़ाम का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ आज, और अब नेक्स्ट ब्लॉग होगा कॉलेज खाली करने का। तो आई होप कि आपका ब्लॉग पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, उसी का ब्लॉग था नॉर्मली। तो अभी तो बिहार शरीफ में है। गेट खोल लो। ये हमारे गार्ड है, ये हमारे गार्ड है छोटू, छोटू रजनी स्वरूप छोटू। ये हमारे गार्ड सोचकर, हाँ ये आपके गार्ड है कॉलेज हमारी गार्ड। ये देखिए इधर मट्टी भराई का कार्य कर, इधर दिखाएं हम लोग आ गए इधर। मैं कॉलेज पहुंच गए, हॉस्टल ये अपना, ये बॉयज हॉस्टल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्टल और बहुत खुश हैं। तो चलो ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, आई होप कि मजा आया होगा ब्लॉग देख के। बाप रे रास्ते में कीड़ा बहुत उड़ रहा था। तो चलो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी आएगा और अब से डेली भी आएगा ब्लॉग। तो चलो बाय बाय, सी यू सून।